किसी गली महल बंद गली च भी फैक्ट्री लान जाओ ना तो उत्थे की कहिंदे कारपोरेशन वाले पोल्यूशन वाले पहुँच जाते NOC चैक करन कंसेंट चैक करन सड़क ते सरेआम प्रशासन की छाती के उत्ते फैक्ट्री लगी हुई है। कोई भी मेन रोड नू शुरू करन तो पहला विकल्पिक मार्ग अपनांदे ने और उस मार्ग के विच उन्होंने सर्विस रोड नू पूरी तरह चलाना हुंदा। इत्थे सर्विस रोड का की चलानी है, मेन हाईवे नू ब्लॉक करके इत्थे एक फैक्ट्री लाई हुई है। रोज हजारा लोग प्रशासन की नलैकी करके परेशान होंदे ने, पोल्यूशन का जिहड़ा धूआं मतलब कि बर्दाश्त करना पैंदा उन्हां नू, इत्थे उन्हां दे असंख्या कीमती घंटे वेस्ट होंदे ने। नैशनल हाईवे जाम करन दा, लोकां नू परेशान करन दा, बिना मंजूरी तो फैक्ट्री चलाउण दे उत्ते क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होंदी तो असीं विदिन ए वीक कोर्ट दे विच मूव करके कंप्लायंस करावांगे। असीं इस गल दी प्रिंसीपल सैकटरी नू भी शिकायत पावांगे कि जिन्हां दी बनदी जिम्मेवारी आ उन्होंने अगर अपना फर्ज नहीं निभाया तो उपर बैठे अफसर उस गल का संज्ञान लैन और बनती कार्रवाई करान दोषी लोगों के उत्ते। लुधियाना लाइव वेख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। अज की खबर थोड़े नाल सांझी करन तो पहला लोकेशन दस दिना मैं, तुम वेख सकते हो इस वेले असी जगराओं पुल तो उतरते हुए सरकारी कॉलेज लड़कियों का इधर नज़र आ रहा। कॉलेज के बाहर जिहड़ी नैशनल हाईवे है उस दे उत्ते बन रहे पुल जिहड़ा कि 13 किलोमीटर एलीवेटेड रोड फिरोजपुर रोड चुंगी तो लैके समराला चौंक तक ये जा रहा और इसका एक हिस्सा जिहड़ा जगराओं पुल के वल उतर रहा। सो इस पुल नू बुलाउण दे लई जिहड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ठेकेदार ने उन्हां दे वल्लों सर्विस लेन नू फैक्ट्री बना के यूज़ किया जा रहा। हालांकि पिछे तुसीं देख सकते हो प्लांट है जिहड़ा लग्या नज़र आ रहा और इसका विरोध करते हुए हिंदू सिख जागृति सेना के प्रधान प्रवीण डांग अपने वॉलंटियर्स के नाल इत्थे विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर तुसीं देख सकते हो प्रवीण जी को चलते हैं। हालांकि आ बैनर पढ़ सकते हो तुसीं, ना कोई डर ना कोई भय, सिस्टम गया सड़क बनाउण कंपनी के चरणों च वै। सो डांग साहब ने क्यों कहा, की कारण है, उन्हां कोल ही जानकारी लै लैणी आ। डांग साहब की कारण है कि तुसीं अज रोस प्रदर्शन कर रहे हो, हालांकि फैक्ट्री तो काफ़ी देर की चल रही है। लुधियाने दे विच किते भी तुसीं चल जाओ 10 या 15 दी स्पीड तो वध कोई भी गड्डी नहीं चलाई जा सकती और ये सड़क दे उत्ते विशेष करके जिते रोज़ हजारा लोग प्रशासन की नलैकी करके परेशान होंदे ने, पोल्यूशन का जिहड़ा धूआं मतलब कि बर्दाश्त करना पैंदा उन्हां नू, इत्थे उन्हां दे असंख्या कीमती घंटे वेस्ट होंदे ने। जिसले भी कोई प्लानिंग होंदी है सड़क बनाउण दी पुल बनाउण दी कंपनी कोल या प्रशासन कोल बड़े काबिल इंजीनियर होंदे ने, वह कोई भी मेन रोड नू शुरू करन तों पहला विकल्पिक मार्ग अपनांदे ने और उस मार्ग दे विच उन्होंने सर्विस रोड नू पूरी तरह चलाना हुंदा। इत्थे सर्विस रोड का की चलानी है, मेन हाईवे नू ब्लॉक करके इत्थे एक फैक्ट्री लाई हुई है। ना तो इत्थे मैं समझदा कोई बिजली का कनैक्शन लिया होना, ना किसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो मंजूरी, ना नगर निगम तो, किसी गली महल बंद गली च भी फैक्ट्री लान जाओ ना तो उत्थे की कहिंदे कारपोरेशन वाले पोल्यूशन वाले पहुँच जाते NOC चैक करन कंसेंट चैक करन सड़क ते सरेआम प्रशासन की छाती के उत्ते फैक्ट्री लगी हुई है। जिहड़े पिलर बन रहे सरिया बनिया जा रहा ये होना तो चाहिए प्लांट एंड मशीनरी जिते यूनिट लगा उत्थे, पर इत्थे हजारां लोगों नू रोज़ परेशान करके सरेआम एक फैक्ट्री चलाई जा रही है। अज उहदा इतराज़ जताते हुए असी एक विसल ब्लोअर का काम किया, कल इस कड़ी नू अगे वधाते हुए डिप्टी कमिश्नर लुधियाना नू असी एक मंग पत्र देंगे, कंप्लेंट देंगे कि इन्हां दे उत्ते नैशनल हाईवे जाम करन दा, लोगों नू परेशान करन दा, बिना मंजूरी तो फैक्ट्री चलाउण दे उत्ते क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। अगर ये कार्रवाई नहीं होंदी तो असी विदिन ए वीक कोर्ट दे विच मूव करके कंप्लायंस करावांगे। डांग साहब तुसीं क्या DC साहब को जाके तुसीं अपने वालों जिहड़ी इहदी विरोध दर्ज कराओगे कंप्लेंट दर्ज कराओगे, पर शहर दे विच DC दी परमिशन तो बिना इस तरह किदां हो सकदा भी सरेआम सड़क दे उत्ते रोड दे उत्ते फैक्ट्री लग जाए?
बिना रोए ते चीके माँ भी बच्चे नूं दुध नहीं दिंदी। उस तरह यह होता सब की मिली भगत ना रहा जिहड़ा असीं बैनर च लिखिया, पर जिसले लोग जाग जाण, लोग इतराज करन, तां इहनां लोगां नूं फिर बने हुए कानूनां की पालना करवानी पैंदी आ। अखी देखी मक्खी कोई भी नहीं निकल सकता। असी इस गल की प्रिंसीपल सैकटरी भी शिकायत पावांगे कि जिन्हां की बनती जिम्मेवारी आ उन्होंने अगर अपना फर्ज नहीं निभाया तो उपर बैठे अफसर उस गल का संज्ञान लैन और बनती कार्रवाई करान दोषी लोगों के उत्ते। सो इत्थे एक तस्वीर है जिहड़ी तुहाडे नाल सांझी करना चाहांगे। सामने जिवें डांग साहब दस रहे हैं कि बिजली है जिहड़ी उसका भी कनैक्शन नहीं लता होना, उहदी एक ताज़ा मिसाल सामने नज़र आ रही है। जोड़ है जिहड़ा तारां दा तुसीं वेख सकते हो, मैं अपने कैमरामैन नूं कहांगा कि जूम करके वह जोड़ है तारां दा जरूर विखाण, जिहड़ा कि इत्थे सर्विस लेन दे विच फैक्ट्री चलती है उसनों बिजली पहुँचा दे लई उह बिजली है जिहड़ी कित्थों आ रही है, यह भी एक जांच का विषय है। हालांकि डंग साहब को ले फिर चलते हैं। डंग साहब तुसी क्या भी उपर भी जावे असी हर हाल दे हीला करांगे, कंप्लेंट करांगे, लेकिन इस काम नू चलदे तो काफ़ी देर हो चुकी है, कई बार तुसी इत्थों दी नंगे होवोगे, पहला नहीं नज़र आई ये चीज़? जब जागे तभी सवेरा, बड़े लंबे समय तो यह गल्लां दिमाग च आ रही सी। असल दे विच असी अपने व्यापार चो परिवार चो समय कढ के समाज का काम करते हैं, जिसले लग्या हुण अति होई हुई है, कोई इहदे ते ध्यान नहीं दे रहा। सरकार नवीं नूं भी बने 6 महीने के करीब हो गए ने, तो हुण लग्या कि सारे लोग जिम्मेवारी समझते हुए इस जिहड़ा शिकायत पत्र है उहदा हुण संज्ञान लैके इहनूं ठीक करनगे, लोगों नूं राहत पहुँचाणगे। सो राहत दे लई जिहड़ा हिंदू सिख जागृति सेना दे वल्लों इह संज्ञान लिता गया। हालांकि पिछली तस्वीर भी तुहाडे नाल सांझी करांगे, जगराओं पुल दे नाल ही दुर्गा माता मंदिर भी नज़र आ रहा। उस तो जो भारत नगर चौंक के वाल असी आने तो रस्ते दे विच तुहानू ये स्ट्रक्चर है जिहड़ी नज़र आएगी, और लैफ्ट साइड पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी नज़र आएगी, जिस दे विरोध दे विच हिंदू सिख जागृति सेना दे वल्लों अज रोस प्रदर्शन किया गया और मंग पत्र देने की इन्हां दे वल्लों गल भी कही जा रही है। हालांकि न्यूज़ क्लोज़ करन तो पहला डांग साहब को एक बार फिर तो चलते हैं। डांग साहब, लोकल शहर निवासियों की सुनेहा देना चाहोगे, लुधियानवियों की सुनेहा वा तुहाडे वल्लों? वह कहते होंगे ना कि जे घर दे विच कॉकरोच आ जाण तो घर दे मुखी की जिम्मेवारी होंदी आ उहदी सफाई करन दी, तां कि कोई बीमारी ना लगे। हर आदमी अपने रुझेव्या च बिजी है, परिवार च ते कारोबार दे विच, ते ए काम सारे करन दी जिम्मेवारी सिस्टम दी होंदी आ, पोलीटिकल लोगों की होंदी आ। जे वह लोग अपनी जिम्मेवारी ना निभाण तो जिहड़े समाज दे विच विसल बलोअर का काम करते जिदा साडा संगठन काम करता, तो असी उस गल नू चकदे होए लोगों नू अवेयर करन दा प्रयास करदे आ कि अपनी लड़ाई आप लड़ो। अगर प्रशासन सुत्ता पिया, सिस्टम सुत्ता पिया, तो सानू जागदे बन के ये जिहड़ा अन्याय हो रहा, लोगों का धक्का हो रहा, जिहड़ा ट्रैफिक च रोज़ समय बर्बाद हुंदा, उहदे तों निजात दिवाउण लई ये संघर्ष तो करना ही पैना। सो हिंदू सिख जागृति सेना खासकर उन्होंने प्रवक्ता ने जिहड़े प्रेजिडेंट ने प्रवीण डांग दे वल्लों विसल बलोर का काम करते हुए शहर वासियों नूं जगाउण दी एक कोशिश है। तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो, भारत नगर चौंक तो जदों जगराओं पुल नूं शहर निवासी आते हैं तो उन्होंने जरूर ये फैक्ट्री नूं वेख्या होगा जिहड़ी कि सर्विस लेन दे विच बनाई गई है ठेकेदारां दे वल्लों। हालांकि जिहड़ा एलीवेटेड रोड है 13 किलोमीटर का जो दस्या जा रहा, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसनों बनाने के लिए कई थावां ते है जिहड़ी कंस्ट्रक्शन है जिहड़ी चल रही है, लेकिन भारत नगर चौंक तो जदों जगराओं पुल नूं जाने हैं तो जिहड़ी मेन फैक्ट्री है इत्थे चलाई गई है, जिसका विरोध करते हुए हिंदू सिख जागृति सेना दे वल्लों अज विसल ब्लो कर दिती गई है। हालांकि इन्हां दे वल्लों ये भी कहा गया वा कि अगर इस विरोध तो भी इन्होंने संज्ञान ना लिया तो जो भी अथॉरिटीज़ ने उन्हां तक पहुँच की जाएगी और कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी। सो ये सी अजी ताज़ा खबर, फिर मिलते हैं नवीं खबरों के नाल। फिलहाल मैनू दिओ इजाजत, कैमरामैन हरजीत दे नाल अरुण कौशल की खास रिपोर्ट, वेखते रहो लुधियाणा लाइव।